स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। भाभी, ये रश्मि, ये झूठे बर्तन उधर रख। अरे भाभी, आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, आपका भी व्रत है ना? खा लूंगी। ओहो भाभी, सबकी आ भगत करने में ध्यान ही नहीं रहा कि आपने कुछ नहीं खाया। सो सॉरी। नहीं नहीं रश्मि, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ना भाभी, पहले यहाँ का काम तो खत्म कर लो। भाभी हम है ना, हम निपटा लेंगे। अरे भाभी आप चलिए। रश्मि तुम चलो तो भाभी, चलिए पहले खा लीजिए। चलिए भाभी बैठिए, पहले आप बैठिए और खाना खा लीजिए। अरे लेकिन भाभी गुलाबो, दीदी भाभी के लिए गरम गरम खाना ले आओ, अभी लेकर आते हैं। रश्मि मैं बाद में खा लूंगी। भाभी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, अब सिर्फ खाना खाइए। ये देखिए भाभी, गर्मा गर्म खाना। अरे भाभी खा लीजिए। दादा जरा एक सेकंड इधर आइए। क्या हुआ? एक सेकंड चलिए तो। मैं भी आया। चलिए। मैं कहाँ ले जा रही? चलिए तो बताती हूँ, आइए आइए बैठिए बैठिए। तो मैं अभी। भाभी आप किधर जा रही है? बैठिए बैठिए। तो दादा देखिए ना, भाभी का व्रत है, सबको खिला दिया है लेकिन सुबह से खुद कुछ नहीं खाया, और अब जब मैं कह रही हूँ कि खा लो तो कहती है आप ही के हाथ से खाएंगे। नहीं मैं। रश्मि प्रीति क्या आप कितना शर्मा रही हैं? चलिए ले आए आपके इनको, अब यहीं खिलाएंगे। दादा भाभी का व्रत है तो पहला कौर तो आप ही खिलाएंगे ना, चलिए खिलाइए। रश्मि ये क्या बचपना है? क्या बचपना दादा, बीवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो उसे खिलाना तो आपका कर्तव्य है ना। चलिए भाभी वेट करिए, खिलाइए। रश्मि प्लीज। दादा रश्मि सबके सामने ऐसे। कोई नहीं देख रहा है भाभी, और वैसे भी किसको फुर्सत है देखने के लिए। चलिए दादा जल्दी से खिलाइए एक और। दादा जब तक आप नहीं खिलाएंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। भाभी आपके दिल के तार तो हमें यहाँ तक सुनाई दे रहे हैं। ये हुई ना बात। अरे ये क्यों रो रहा है? मैं अभी देखकर आती हूँ। भाभी मत रो, क्या हुआ बेटा? नींद आ रही है शायद, ठंड भी लगी होगी। अक्षरा शॉल ले आ, इसे सुला देती हूँ।
अरे अक्षरा आप यहाँ खड़ी हैं, माँ शॉल का इंतजार कर रही हैं। मैंने कह दिया कि मैं ही देखकर आता हूँ। जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं ही देख लेता हूँ। अक्षरा वो शॉल नहीं मिल रही, जरा इधर आके ढूंढ दीजिए ना। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं? जरा इधर आके देखिए ना। शॉल तो एक बहाना है, मैं तो आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। देख, छोड़िए, छोड़िए, मेहमान आए हुए हैं, कोई देख लेगा, छोड़िए। वो अक्षरा आपने बहुत अच्छा किया जो पूजा के लिए आ गई। थैंक यू, आपके आने से दत्ता जी सबके सामने शर्मिंदा होने से बच गए। सबको बस यही टेंशन थी कि अगर बात उठेगी तो क्या कहेंगे, लेकिन अब सब खुश हैं।
मैं अक्षरा बस बेटा भाभी आपने इतनी देर लगा दी आपका खाना ठंडा हो रहा है आई अक्षरा आओ खाना खा लो एक मिनट भाभी आपके लिए गरम गरम पूरी मंगाई है आती होगी रश्मि बेटा सबके लिए पानी लाना जी भाभी माँ अभी लाती हूँ अक्षरा नैतिक से कुछ बात हुई हाँ दीदी मैं कमरे में उनसे मिली थी लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा एक बात कहूँ तुमसे वो तुम्हें सच में बहुत मिस करता था जब से गई हो तुम आज शायद पहली बार वो थोड़ा खुश हुआ है थोड़ा खड़ूस है जल्दी मानने नहीं वाला असल में उसके मन में थोड़ी झिझक है अब देखो तुम्हारे मायके तुम्हें लेने गया था और बाहर से ही लौट आया यहाँ सबने पूछा क्या हुआ तो बोला मैं जा ही नहीं पाया पर दीदी वो तो आए थे सबसे मिले भी क्या दरअसल दादू ने उन्हें गुस्से में कुछ कह दिया था और फिर वो वापस चले गए अच्छा लेकिन उसने तो यहाँ कहा कि वो गया ही नहीं था पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है अक्षरा वो नहीं चाहता था कि कोई भी तुम लोगों पर उंगली उठाए क्योंकि वो जानता था कि यहाँ सब नाराज हो जाएंगे उसने तो यहाँ पर डांट भी खाई और सिर्फ तुम्हारे लिए चुप रहा वो हालातों को सुधारना भी चाहता है बस उसके सामने उसकी जिद आड़े आ जाती है अक्षरा तुम तो समझदार हो ना तुम ही क्यों नहीं उससे बात करती फिर देखना कैसे ये सारे मनमुटाव चुटकी में खत्म हो जाएंगे काफी समय हो गया है अक्षरा को गए क्या करें माँ शौर्य को उसे लेने के लिए भेजना है अक्षरा ने कहा था कि शाम तक फोन करके वहां की स्थिति के बारे में बता देगी उन लोगों ने उसे रुकने के लिए कहा या नहीं दीदी उन्होंने रोक लिया होगा अक्षरा को वो तो चाहते थे कि अक्षरा खुद आए सुचली गई अब कारण ही क्या रह गया कि वो उसे वापस भेज दे और माँ नैतिक जी अक्षरा को आने नहीं देंगे तेरे मुंह में घी शक है पर वो फोन करके कुछ बताए तो सही मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ बड़ी बहू थोड़ी देर और देख लो अगर अक्षरा का फोन नहीं आता फिर तुम खुद फोन करके पूछ लेना ठीक है मां अक्षरा का फोन होगा शायद हेलो राधे कृष्ण रतन सब कुशल मंगल क्या अरे तो क्या ज्यादा तबीयत खराब है
डॉक्टर ने क्या कहा? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। उनका ध्यान रखो। हाँ हाँ, मैं माँ को भेज देती हूँ। क्या बड़ी बहू? रतन अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में करूंगी। ध्यान रखना। हाँ दीदी, अक्षरा के मामा का फोन था। वो रतन के दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, तो कह रहा था कि इस समय अगर माँ वहां पर होगी तो अच्छा रहेगा। हाँ, पर ये खबर सुनकर समधन जी बहुत परेशान हो जाएंगी। बहुत लगाव है उनका अपने पोतों के साथ। मैं माँ से बात करती हूँ। वो क्या है कि बच्चों की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। माँ अगर वहां पर होगी तो भाभी को मदद मिल जाएगी। गाड़ी आपको स्टेशन पे छोड़ देगी। दद्दा जी, इस साल भी हर साल की तरह पूजा बहुत अच्छी रही। लीजिए प्रसाद लीजिए। अक्षरा चलो अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी बेबी बहुत अच्छी है, सबको एक ही दिन में अपना बना लिया। तुम मेरी सास से मिली तो चलो आओ ना। ये लो बेटा। नहीं नहीं ये क्या? आप ले लो बेटा। नैतिक बेटा आशीर्वाद ले लो दोनों। सदा सुहागन रहो। चलिए राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। स्टेशन जाएंगे तो जरूर पहुँचेंगे और सबसे तेज दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। अरे लाली, रिकॉर्ड कछु ना टूटेगा। हाँ, हमारी हड्डी पसली जरूर टूट जाएंगी। अब चला जा, हम ही सब खाएंगे। अरे भैया प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।